दोस्तों क्या हाल है, मैं हूँ एंग्री गप्पू और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूँ। और वीडियो में क्या क्या है हम देखेंगे कि मतलब इवेंट्स में क्या चल रहा है। कोई 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 मोबाइल में इवेंट्स दिखाई नहीं देते, जैसे यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, तो सब जो भी है हम कवर करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं। तो फिलहाल तो ये 20 डिपॉजिट रिपेड है, आपको तो पता रहेगा। ये आउटफिट चाहिए तो इतना इसको तो भूल जाएगी आप। सेकेंड में क्या चल रहा है ये तो आपको पता रहेगा, ये कलेक्ट करो और फिर आपको ये आउटफिट मिलेगी, या फिर रिडीम कर सकते हो, मतलब ये शर्ट मिलेगा सस्ता सा पबजी। और क्या दे सकते हैं, सब ईपिक वाले सस्ते चीज़ें दे सकते हैं। और ये इवेंट तो पता ही रहेगा आपको, जब आप यूसी खरीद लेते हो तो आपको ये परचेस करते हो तो आपको ये क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव वाउचर मिलेगा, जिससे आप इस चीज़ों को रिडीम कर सकते हो ऐसे ये सब चीज़ों पर, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कोला बड़ी वाउचर जो आप डेली कलेक्ट कर रहे हो। भाई पबजी वालों ने भाई डगा ही दे दिया भाई, वाउचर कलेक्ट करके क्या फ़ायदा अगर अपने पास यूसी ही नहीं रहेगी तो। मैंने यही सोचा था कि वाउचर से हम रिडीम कर पाएंगे जो चीज़ें एक तो फ्री में देंगे, लेकिन यार मैंने देखा है यूट्यूबर्स को जो हैं यूट्यूब जो स्क्रीन ओपन करते हुए वाली बहुत शोर शराब आया, तो ये भाई कितने लोगों ने भाई 30-30, 40-40 हज़ार यूसी लगाई तब जाके उनको मिला ये चीज़। हमने सोचा कि भाई जैसे कि फैल्कन है जो इस तरह का है, फैल्कन जो शॉप में जाके आप ले सकते हैं, रेचर्स के इधर यहाँ पे कहाँ पे है, अभी तो 1500 यूसी में मिलता है वो भी। भाई हम लोगों ने यही सोचा तो कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई ये तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इग्नोर कर दे उसके बारे में। रिकॉल, हाँ ये बहुत यूज़फुल है हम सबके लिए। तो रिकॉल आया है, अगर आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इवेंट्स में जाना, आप इवेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे रिकॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाना। तो ये तो हर सीज़न में आता रहता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या आउटफिट आया है, और ये अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो आपका इसमें खेलता नहीं होगा, तो आपको सिर्फ रिकॉल का बटन दबाना है। अभी तो मैंने रिकॉल किया है, रिकॉलिंग पे कलेक्ट किया है, हर वीकली ये येल्लो कलर हो जाता है, जो यहाँ पे रिकॉलिंग का ना वो येल्लो कलर हो जाता है, बस आपको उसको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करके ये सब कुछ तो खुल जाएगा आपका शेयर का ऑप्शन, जैसे व्हाट्सअप और फेसबुक चुको है, आपको सिंपली इग्नोर करना है, बस ऐसे बाजू में क्लिक करके उसको निकालना है, वापस इसको क्लिक करना है। सेम ऐसे ही हर इसमें जैसे तीनों कलेक्ट करते हो, मेरे पास तीन है, आपके इसमें कितना आता है देख लेना। तो जैसे आप क्लिक करके कैंसिल कर देते हो तो आपको ये रिडीम सेल में आ जाए, जैसे मेरा 60 आ चुका है, हर वीक में आता है ये, इजीली आपको शॉप में मिल जाएगा, मतलब इजीली ये आउटफिट है सब ये आपको मिल जाएगा, बहुत इजी है। हर वीक में ये येल्लो हो जाता है, पता नहीं कितने दिन के बाद होता है, लेकिन मैंने पिछले सीज़न में ये सब मेरे को फ्री में मिले, मतलब हर वीक में ऐसा येल्लो कलर होता है, आपको सिर्फ कलेक्ट करना है। और मुझे लगता है ये सिर्फ फेसबुक में जो फ्रेंड्स आपके ऐड हैं वो उनके ही आ जाता है शायद से, ये सब फेसबुक वाले फ्रेंड्स हैं तो उनको ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रिक बता था आपको, आपने आपको एक फेसबुक अकाउंट बनाओ, अपने आपको ऐड करो और उस अकाउंट से खेलो मत, तो उसका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सिर्फ फिकली कलेक्ट करना है बस, और ये कलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं चीज़ें, बहुत आसान है भाई। 150 बहुत ईजी है, दूसरे वीक में मेरे 120 हो जाएंगे क्योंकि तीन है। तो अकाउंट बना के दे और फेसबुक से अपने आपको ऐड करो, उसमें आ जाएगा। और वजह से आप ये कलेक्ट करते हो ना, तो आप क्या करना, यहाँ पे भी दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे भी ये जो कॉइन से इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट ओपन करना, और जब फ्रेंड लिस्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे जो को दो यहाँ पे लोगों देखो, दो जन खड़े हैं वहाँ पे, उस पर क्लिक करना, तो इस तरह से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए थे, जैसे वो कलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से आप इसको रिडीम कर सकते हैं, जैसे ये रिडीम में कर पा रहा हूँ, रीडिंग करो, वो और वो सेम है, लेकिन यहाँ पे वो अलग तरह से बन जाता है कॉइन्स, तो ये सेक्शन अलग है, तो आपको यहाँ का भी बेनिफिट मिलेगा आपको। बस प्रॉब्लम है कि भाई आप एक एक कलेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाओगे, समझ गया ना कहाँ पे ये ऑप्शन। यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे दो जो बंदे खड़े हैं ऐसे ये सिंबल, उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और ये तभी मिलता है जब आप यहाँ पे इवेंट पे रिवॉल्व पे कंट्रोल कलेक्ट करते हो, तो यही यहाँ पे और ये अलग है, तो वहाँ का वो कट नहीं होगा, वो अलग सेक्शन है, लेकिन आप जहाँ से भी कलेक्ट करते हो तो दोनों तरफ से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं,
यहाँ पे पॉइंट्स भी बढ़ते हैं अगर बंदा जो खेलता नहीं है, अगर वो खेलते तो वो भी अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि भाई वो ना खेले, ताकि खेलेंगे तो फिर वो एक बार आ गया तो वो आपको उसका वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको मिलता रहेगा अगर वो नहीं खेलता तो। हर वीकली येलो हो जाता है, आपको कलेक्ट करना है, ये बात है। और फिर जैसे आप ये अलग है, ऊपर वाला अलग है, अगर वो खेलता तो ये सेक्शन बढ़ जाता है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ बता दूँ मैं, शॉप पर एक चीज़ है, एक अचीवमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले अचीवमेंट दिखाता हूँ, मिशन में जाने के बाद अचीवमेंट में जाऊँ तो यहाँ पे स्कल, ये जो पिज़्ज़ा का है ना, पिज़्ज़ा पैक, मतलब ये जो इस पर जो बॉडी बिल्डर है उसके नीचे जाना, तो आपको यहाँ पे स्कल का ये स्कोबल स्कॉट, तो यहाँ पे शॉप पे यूसी अगर रहेंगी तो वहाँ पे एक पैक है, तो ये दो कलेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप ये कलेक्ट करते हो पूरा, तो हालांकि ये बाकी की चीज़ें नहीं हैं लेकिन कभी फ्यूचर में आ सकती हैं, तो आपका ये मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये अगर आप शॉप पे जाते हो ट्रेजर में जाने के बाद, माफ करना गलत जगह पे गया, शॉप पे जाऊँ, शॉप पे जाने के बाद ट्रेजर में जाने के बाद यहाँ पे पैक आया नंबर 3 वाला, तो ये यहाँ पे आ चुका है। चलो मैं ख़रीद लेता हूँ भाई आपको दिखाने के लिए, तो मैंने ख़रीद लिया भाई, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये मैं मेरा आ गया और पैक पैक है, मेरे को लेना नहीं था लेकिन फिर भी आ गया। तो मिशन में जाओ, मिशन में जाने के बाद यहाँ पे आपका वो कलेक्ट हो गया होगा, देखो कलेक्ट हो गया, दो कलेक्ट हो गया। तो ये तो चीज़ें आई नहीं लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, तो आपका ये मिशन होगा कंप्लीट, अगर आपको अचीवमेंट कंप्लीट करना है तो उसके लिए, ठीक है। और दूसरा अचीवमेंट्स में आपके बारे आपको बता दूँ, दूसरा अचीवमेंट्स आए हैं यहाँ पे सोशल स्टार के बारे में, जो कि स्टेटस बनाना है, रिच 10 लाइक्स। अब ये लाइक कैसे मिले मुझे, शायद यहाँ पे मोमेंट्स में जाने के बाद, नया जो सेक्शन आया है मोमेंट करके, उस पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपना खुद का स्टेटस बनाना है, कुछ भी डालो जैसे मैंने डाला है ना, ओके। तो स्टेटस ऐसे बनाओ और कोई अपने इसको अपने आपको लाइक कर दो, भाई होता है क्या, देखो काउंट होता है कि नहीं पता नहीं, शायद अपने जो दो दोस्त हैं उनको स्टेटस में दे, जैसे उन लोग अगर इस फ्रेंड स्टेटस में जाता तो अपना स्टेटस उनको दिखेगा और आपको सिर्फ लाइक करना है उनके स्टेटस पे, शायद या अपने को उनकी तरफ से मिले तो अच्छा ही है। तो लाइक दे रहे हो सबको, पता नहीं ये काउंट हो रहा है नहीं, चेक करते हैं हम। मिशन में जाता हूँ मैं, अचीवमेंट में जाता हूँ और वापस सोशल में जाने के बाद कुछ बड़ा नहीं है, 30 के 30 है। और यहाँ क्या फेवरेट क्या भाई, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। लाइक दिया और लोगों ने लाइक भी किया मेरे को, तो लाइक यहाँ पे कैसे बताया कि मेरा यहाँ पे 13 मैक्स लाइक है, लेकिन मेरे को 13 से ऊपर भी लाइक मिला, देखो स्टेटस में जाने के बाद। यहाँ पे 11, यहाँ पे 23 लाइक्स है, यहाँ पे 13 लाइक्स है, 12 लाइक्स है, फिर भी समझ में नहीं आया ये पोस्ट, मतलब जो भी है मेरे को कुछ समझा नहीं। अगर आपको कुछ समझा है तो प्लीज़ कमेंट्स करना। तो और दूसरा एक अचीवमेंट है जो कि इग्नोर मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो टाइटन स्ट्राइक के लिए है, लास्ट में आप जाओ तो वहाँ पे आएगा, और आफ्टर 47 डेज के बाद ये चला जाएगा, तो मिस ना करें। और वर्थ दी इनकाउंटर, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट 6 क्रीचर टाइटन एरेंगल में जो क्रीचर से उनको मारना है, 6 तो कम से कम मारना है, और यूज़ 6 टाइटन क्रिस्टल्स। टाइटन क्रिस्टल जल्दी से जल्दी यूज़ करो भाई, पता नहीं अभी बीच में तो मैंने सुना था कि उन्होंने निकाल दिया था क्रिस्टल्स, वो इसीलिए क्योंकि जो जैसे कि सैनोक में क्रिस्टल्स यूज़ करने की वजह से जो ओवर पावर अपने को मिलती है, जिसकी वजह से जो कम करने के लिए उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए हटाया, शायद फिर से आया होगा, तो आप ये ज़रूर करें। इंटर एंड डिस्ट्रॉय कैंप 1, पता नहीं आपको क्या, अगर पता हो तो जो भी है कैंप वो करो, ज़्यादा मैं क्लासिक खेलता नहीं है। ट्रांसफर इनटू इंसेक्टियोड एंड कलेक्ट 6 कलेक्शन 6 लुमिनेटर, जो भी है देखो, डेट भी है दिखाया है, डेट से पहले ही करना। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, फ्रॉम मई 11 टू जून 8 प्ले टाइटन स्ट्राइक विच विल बी रिलीज सक्सेसिवली इन एरेंगल साइनोक एंड लिविक फ्रॉम जून 9 टू जुलाई 5 प्ले ट्रेजर ट्रेवर्स। हाँ तो देखो
सबका अलग अलग है। जैसे कि अभी एरेंगल में जो चल रहा है, जो कि हॉलो अर्थ, और जो एरेंगल में चल रहा है, जो कोई जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं उसको मारना है आपको। और टाइटन क्रिस्टल शायद कहाँ पे यूज़ है, शायद लिविक या हाँ सैनोग में है। और इंटर ये डिस्ट्रॉय ये पता नहीं, अभी तक मेरे को पता नहीं, मैं मिला तो अगर आपको पता है तो कमेंट्स करना। तो ट्रांसफ़र इनटू, हाँ तो ये वाला जो है वो कभी आएगा, 9 जुलाई को आएगा, जून को आएगा, ठीक है, तब आपको खेलना है। डिफीट वन अदर, ये अभी तक तो आया नहीं इवेंट, तो आप ध्यान रखना। और फ्रॉम 25 टू जून 8 प्ले टाइटन लास्ट स्टैंड फ्रॉम टीम, ये अभी तक आया नहीं है, 25 मई को आएगा। तो आप ये मिशन करना ताकि टाइम से पहले हो जाए, ये तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कर नहीं पाओगे। ऐसे मेरे बहुत सारे मिशन मिस हो चुके हैं, तो आप मिशन मिस मत करो। अगर आपको लगा कि यूज़फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक करो यार। आप लाइक नहीं करते, आप देख के चले जाते हो यार, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ लाइक करो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करो। अगर आप नए हो चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है। आप मेरे कम सब्सक्राइबर देख के भाई सब्सक्राइब नहीं करते, बंदे के पास सब्सक्राइब ही नहीं, हम कभी कुछ सब्सक्राइब करें भाई, आप लोग करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना यार। तो मैं आपको बहुत यूज़फुल वीडियो डालता ही रहूँगा, हमेशा डालता रहूँगा भाई, मरने के बाद भी डालता रहूँगा सच में, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि भाई मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा भाई। प्लीज़ करो करो, प्लीज़ करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।